ज्ञानतिभिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन कस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं दासी स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्णचैतन्या प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर वासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा, भगवान के नाम पे जप के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम चर्चा करते आ रहे हैं वो है एकाग्रता और ध्यान। इस भगवान के नाम के जप में एकाग्र होने के लिए और ध्यान पूर्वक जप करने के लिए बहुत चर्चा की गई है। बहुत आचार्यों ने, पहले वाले आचार्यों ने, वर्तमान आचार्यों ने बहुत चर्चा की है। तो हम कुछ आज प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे कि अगर भगवान के नाम में ध्यान लगना है तो क्या करना चाहिए। ध्यान लगना, ये बात सत्वगुण की बात, हम सबको पता होना चाहिए कि रजोगुण में और तमोगुण में एकाग्रता और ध्यान नहीं हो सकता है। केवल सत्वगुण को प्राप्त करने पर ही ध्यान की प्राप्ति करने की अपेक्षा हो सकती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जप में ध्यान लगे तो हमें हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप में सत्व गुणों को निर्माण करना पड़ेगा। और उसके कुछ व्यावहारिक टिप्स जो है वो इस प्रकार से हैं। वैसे ये सब व्यावहारिक बातें हैं, जैसा आपको अनुरूप लगे वैसे आप उसको अपना सकते हैं, और इसके आगे भी जाकर आपके पास और कोई विकल्प हो सकते हैं जिससे आपके जीवन में सत्वगुण निर्माण हो। तो सबसे पहले संध्या के समय हल्का भोजन करें और 7 साढ़े 7 के पहले करें, उसके देर से ना करें। देर से भोजन करने के बाद या देर से हैवी भोजन करने के बाद में रजोगुण तमोगुण उत्पन्न होता है, आलस्य उत्पन्न होता है और सवेरे उठने के लिए कठिन हो जाता है। सो जल्दी और हल्का भोजन करने के पश्चात 9 से 10 के बीच में आपको विश्राम करना है। अधिक से अधिक जल्दी होने का प्रयास करना चाहिए। फिर सवेरे ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सवेरे 3 बजे से आगे शुरू होता है। हो सके तो 3 बजे उठिए, फिर 4 बजे उठे नहीं तो 5 बजे उठिए। लेकिन भक्तों को 5 बजे के बाद नहीं उठना चाहिए, इसके पहले ही उठना। उसके बाद बहुत लोगों को आदत होती है कि बिना जप किए, बिना स्नान किए वो जप करना आरंभ कर देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अभी लैटरिन नहीं हुआ है, कुछ सोचते हैं कि अभी ये नहीं हुआ है, कुछ सोचते हैं कि वो नहीं हुआ है, तो वो वेट करते हैं और वो ऐसे ही बिना स्नान किए जप करना आरंभ करते हैं। बिना स्नान किए स्थिति तमोगुण में मानी जाती है और स्नान करने के बाद सत्वगुण का निर्माण होता है। इसलिए ऐसी आदत डालिए कि उठने के बाद तुरंत स्नान करके शुद्ध होकर, स्वच्छ होकर, पवित्र होकर हम जप में बैठे। फिर जप का जो स्थान है वो स्वच्छ रखें, गंदी जगह पर आप जप मत कीजिए, स्वच्छ जगह पर जप कीजिए। और जप करते समय बहुत आरामदायक स्थिति में मत बैठिए, नरम नरम गद्दे पे, नरम नरम कुर्सी पे, सोफा पे टेक के मत बैठिए। वैसे करने से निद्रा के लिए अनुकूल वातावरण निर्माण हो जाता है, विशेष करके अगर आप थके हुए हों तो। अपने आप को थोड़ा सा अटेंशन में रखिए,
एकदम सीधे बैठिए, ज्यादा टेक के मत बैठिए, और सीधे बैठकर जैसे रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रख के बैठिए। हाथ और पाम सही रखिए ताकि छाती में आवाज आने के लिए बहुत अच्छी सुविधा हो, तो श्वासोच्छ्वास जो है वो अच्छा हो। आगे की महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत लोग साथ में बैठकर जप करते हैं और जप करते समय बहुत सारी बातें करते रहते, तो उससे बात जो हो रही है उसी पे ध्यान जाता है और जप में ध्यान कम जाता है। इसलिए जप करते समय किसी को बातें नहीं करनी चाहिए, डिस्कशन नहीं करना चाहिए, और ये बातें करने का अवॉइड करना है तो जप के समय पर मोबाइल को दूर रखना चाहिए, क्योंकि तो मोबाइल तो आपको बुलाएगा, रिंगटोन बजेगी, फोन आएगा और आपको लगेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मोबाइल और व्यक्तिगत रूप में बातें करना तो बंद करना चाहिए। हो सके तो अगर कभी कभी ये सब ना करते हुए भी जप में बहुत विकल्प मन में आते हैं, मन बहुत भटकते रहता है, तो उस समय थोड़ी देर उठकर जोर जोर से चलकर फिर आपको आकर बैठना चाहिए, या थोड़ी देर लंबी लंबी सांसें लेकर फिर एक जगह सेटल होना चाहिए। और दिन में अपने जीवन में जीवनचर्या दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए कि कोई तमोगुणी काम ना हो, कोई झगड़े वाला, कोई ज्यादा मोह वाला, राग द्वेष वाला काम ना हो, क्योंकि तो दिन में जो हमारी 22 घंटे की चेतना होती है, 22 घंटे की हो, 16 घंटे की हो, 12 घंटे की हो, वो हमारे सवेरे की चेतना पर बहुत असर करती है। दिन में ज्यादा समय पर जो भी कुछ हुआ है उसका जो गुण हमने निर्माण किया है, रजोगुण है या तमोगुण है, वो गुण हमारे सवेरे उठने पर हमारे ऊपर हावी रहता है। इसलिए दिनचर्या सात्विक होनी चाहिए, दिन का आहार सात्विक होना चाहिए, दिन का संग भी सात्विक होना चाहिए। अधिकतर जो लोग तमोगुणी रजोगुणी भाव रखते हैं, चाहे वो भक्त भी क्यों ना हो, उनके साथ में संग और चर्चा टालनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मैंने जो कुछ बताए हैं मेरे अनुभव के विषय बताए हैं, और भी बहुत सारे आपके पास सुझाव हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जप में ध्यान करने के लिए, ध्यान पूर्वक जप करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये करना है, क्योंकि यही मुझे पार लगाएगा, बाकी सारी चीजें जो है वो मुझे भटकाएगी, जीवन के लक्ष्य से मुझे दूर कर देगी। इसलिए मुझे तीव्र इच्छा करनी चाहिए। तीव्र इच्छा कैसे उत्पन्न होगी? जिनको ऐसी तीव्र इच्छा है उनके संग में बैठकर ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। तीव्र इच्छा होने के बाद में क्या करना है? संकल्प करना है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना करनी है भगवान से। जब कोई बात कठिन होती है प्राप्त करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, नम्रता से, प्रामाणिकता से, तीव्रता से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आपके नाम के जप के विधि में हमको रुचि चाहिए, हमको तीव्र इच्छा है कि आपके नाम में हमारा ध्यान लगे, मन एकाग्र हो जाए। रोज हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं। हो सकता है हर माला के बाद में प्रार्थना करें, हो सकता है जप के पहले ही प्रार्थना करके बैठो, हो सकता है जप के बीच में प्रार्थना करें, थोड़ा ब्रेक ले और फिर प्रार्थना करें, क्योंकि तो प्रार्थना ये हमारी तीव्र इच्छा का प्रमाण है। भगवान के हृदय को अगर कन्विंस करना है कि इसको ध्यान देना है, एकाग्रता देनी है, तो तीव्र प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ये मेरे तरफ से आपके लिए बहुत छोटे बहुत टिप्स हैं। और किसी को जप करते समय बहुत नींद आ रही है तो खड़े हो जाइए, वैसे ही बैठे मत रहिए। हो सकता है आपका कल का दिन बहुत व्यस्त गया होगा, बहुत कष्टमय गया होगा, बहुत नींद कम मिल गई होगी, देर रात में सो गए होंगे, तो फिर भी आपको जप करना है, आप उठे हुए हो, इतना प्रयास आपने किया है, तो उठिए, खड़े हो जाइए, लंबी सांस लीजिए, आगे पीछे चलिए। लेकिन जप के समय पर सोना ये तमोगुण का प्रभाव है, अपने जप में तमोगुण को प्रवेश करने मत दीजिए।
प्रयास कीजिए, भक्तों से प्रार्थना कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। ये जप में तीव्रता, जप में एकाग्रता और ध्यान, यही कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। इसके ऊपर कलयुग में और कोई तपस्या नहीं। और इतना तप करने से भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, राधा रानी कृपा करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। विशेष बात कार्तिक महीने की, दामोदर मास की है। ये महीने में कैसे भी करके प्रयत्न पूर्वक अगर हम ये ध्यान एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं तो पूरे जीवन का बेड़ा पार हो, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से हम बच जाएंगे, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।